प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्रेमी सलाम, जय मसीह की। आज हम शालोम सीबीसी के चौथे दिन में आए हैं और पिछले तीन दिन से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो मुझे विश्वास है वो आपके जीवन में आशीष का कारण बना होगा। ठीक है बच्चों, आज चौथे दिन का विषय क्या मालूम? आज का विषय यह है, विश्वास की रखवाली कर। सब मेरे पीछे बोलो, विश्वास की रखवाली कर। तो आज के विषय के बारे में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। क्या बच्चे आप सब तैयार हैं? ओके, तो हम आज के प्रोग्राम में जाने से पहले मैं निवेदन कर सभी बच्चों को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते सीबीसी की पुस्तक के द्वारा। आज हम पाठ नंबर 4 के अंदर आए हैं। आज उसका विषय है विश्वास की रखवाली करना। तो आइए हम इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर को और भजन के द्वारा, वचन के द्वारा और नाटक के द्वारा परमेश्वर के वचन को हम सीखने वाले हैं। इसके लिए आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, देवों के देव, हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम दीनता और नम्रता के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। आज सीबीसी के द्वारा प्रभु जी जो पाठ नंबर 4 में से प्रभु पढ़ाया जाता है, प्रभु जी हर एक को समझने में ज्ञान, बुद्धि, बल, शक्ति दे पिता। हर बच्चे के जीवन में प्रभु तेरा वचन उतर करके आने पाए। हर एक को समझने में पवित्र आत्मा आप मदद और सहायता कीजिए। पूरी क्लास के अंदर प्रभु आपका अनुग्रह होने दीजिए, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। ठीक है बच्चों, अब हम एक विशेष गीत जो आज के विषय के बारे में, विश्वास की रखवाली करके बारे में हम सुनेंगे, देखेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? ओके, हम गीत में जाएंगे।
बच्चों गीत कैसा लगा? अच्छा लगा? हाँ, दौड़ूंगा मैं और विश्वास की रक्षा करूंगा। क्यों? हमें अनंत जीवन पाना है। अनंत जीवन पाने के लिए विश्वास की रक्षा करना पड़ेगा, रखवाली करना पड़ेगा। अब हम खास समय में आ गया है, बाइबल के पाठ हम सीखने वाले हैं। ठीक है, मुख पाठ वचन सीखेंगे, बाइबल की कहानी सुनेंगे, सब कुछ आपको याद करना है। ठीक है, ध्यान से सुनना है। तो आज के विषय विश्वास की रखवाली कर के बारे में हमको पाठ सिखाने के लिए ब्रदर वीनू पारगी तैयार हैं। क्या हम उसको स्वागत करेंगे? सबको जय मसीह की, जय यीशु। सब कैसे हो? हाँ, ठीक हो ना? परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। आज दिन चार में आप सबका स्वागत है। पाठ नंबर चार, विश्वास की रखवाली कर। सब मेरे साथ बोलिए, विश्वास की रखवाली कर। हाँ बोलो सब। हाँ गुड, बहुत अच्छा। प्यारे बच्चों, आज का जो पाठ है उसमें जो वचन लिया गया है वह अय्यूब की पुस्तक से लिया गया है। अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 22 तक, दूसरा अध्याय 1 से लेकर 13 तक। ठीक है, और इसमें जो मुख पाठ वचन है वो हम सबको करना है, मुंह जबान वो वचन बोलना है। ठीक है, दूसरा तिमोथी अध्याय 4 वचन 7, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। सब मेरे पीछे बोलेंगे आप लोग, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। जी हाँ, विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक आज बहुत अच्छी कहानी बताना चाहता हूँ, एक वैज्ञानिक के बारे में जिसका नाम डॉक्टर मार्क था। वह अमेरिका में रहता था और वह व्यक्ति ने कैंसर नामक रोग की दवाई की खोज कर ली। उसने ये बहुत बड़ी खोज थी उसकी, उसने बहुत मेहनत के बाद ये दवाई की खोज की उसने, इसलिए उसको पुरस्कार देने के लिए एक यूनिवर्सिटी ने उसको बुलाया था। वह उसके घर से बहुत दूर था इसलिए वह विमान में बैठकर वहां से निकला। अचानक बीच रास्ते में मौसम खराब होने लगा, बारिश होने लगी, तो विमान वहां से वो बीच स्टेशन पे रोक कर वहां पे उनको उतार दिया। वहां उतरने के बाद वो बहुत चिंतित हो गया। वो सोचने लगा कि मैं वहां पर कैसे पहुंचूंगा। वहां के संचालक से उसने बात किया कि मुझे और दूसरा विमान मिल सकता है, उसमें मैं बैठ कर जा सकता हूँ। लेकिन मौसम बहुत ही खराब था, विमान एक भी चल नहीं सकता था, इसलिए उस संचालक ने उससे कहा, आप एक गाड़ी किराए पर लो और खुद चलाकर जाओ। प्यारे बच्चों, इस डॉक्टर के लिए, डॉक्टर मार्क के लिए गाड़ी चलाकर खुद जाना बहुत ही मुश्किल था, फिर भी उसने साहस उठाया और गाड़ी लेकर वहां से निकल पड़ा, क्योंकि उसको पुरस्कार प्राप्त करना था। वो वहां से निकल जाता है और गाड़ी लेकर जाता है। आगे और भी बारिश होती है और भी बहुत अंधेरा छा जाता है वहां पर, तो आगे गाड़ी वह नहीं चला सकता। गाड़ी नहीं चलाने के कारण फिर वह वहां उतर जाता है। वो इधर उधर देखता है कि अच्छी जगह उसको मिले रहने के लिए, होटल देखता है, कहीं पर भी लाइट नहीं दिख रही थी, सिर्फ एक घर में छोटी सी लाइट दिख रही थी। वो वहाँ पर जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है और वो वहाँ पर एक बहन ने उस दरवाज़ा खोला और उसने बोला, बहन मैं यूनिवर्सिटी में जा रहा था लेकिन मेरी आगे मौसम बहुत ख़राब है, मैं आगे नहीं जा सकता, इसलिए आपके घर में थोड़ी रहने की जगह मुझे दे सकते हो? तो बहन ने बहुत दिल से उनको आवकार किया और उनको घर पे बिठाया, चाय और बिस्किट दिया। वो चाय और बिस्किट खा रहा था, तब बहन ने बोला कि मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ, आप यहाँ पर बैठिए। बहन अंदर रूम में प्रार्थना करने के लिए गई। वहाँ पर उसका 16-17 साल का लड़का एक खाट में पड़ा हुआ था। वो बहन अंदर जाकर रो रो कर प्रार्थना करने लगी, रो रो कर प्रार्थना करने लगी। ये सब ये डॉक्टर मार्क था वो सुन रहा था।
वो बहन प्रार्थना करके बाहर निकली। तब वो डॉक्टर ने तुरंत पूछा, बहन क्या तकलीफ है, आप रो रो कर प्रार्थना करती है और आपका बेटा भी ऐसे पड़ा है, क्या तकलीफ है? तब वो बहन ने बताया, मेरा बेटा को कैंसर की बीमारी है, उसको बहुत सारे हमने अस्पतालों में दिखाया लेकिन अभी तक उसकी कोई दवाई नहीं बनी, इसलिए इसको कुछ भी असर नहीं हो रहा है, केवल हमने सुना है कि डॉक्टर मार्क के द्वारा बनी हुई दवाई है, उसके द्वारा ही ये अच्छा हो सकता है। तब डॉक्टर समझ गया और बहन को बताया कि बहन मैं ही डॉक्टर मार्क हूँ, आपके परमेश्वर की प्रार्थना जो आप विश्वास से करती है, आपने जो विश्वास की रखवाली की है, इसके कारण मैं यहाँ पर आ जाया हूँ। हमने देखा कि वो डॉक्टर जो था वो तो पुरस्कार प्राप्त करने के लिए यूनिवर्सिटी में जाने वाला था, लेकिन यीशु मसीह उसको कहाँ पर लेके आया, बहन के घर में। प्यारे बच्चों, हम जब विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रभु प्रार्थना सुनता है। तब वो लोग रात को खाना खाया और वहीं पर सोया और दूसरे दिन सुबह डॉक्टर ने अपनी गाड़ी में दोनों को ले गया और हॉस्पिटल में ले जाकर 3 महीने तक उसका इलाज किया। बाद में वो बच्चा, वो जो लड़का था, वो अच्छा हो गया। हालेलुया। तो प्यारे बच्चों, ये बहन ने 5 साल तक प्रार्थना करती रही, विश्वास की रखवाली की उसने, विश्वास करके उसने प्रार्थना की, मेरा यीशु मसीह जो है मुझे प्रार्थना का उत्तर देने वाला है। और एक दिन उसको जरूर यीशु मसीह ने प्रार्थना का उत्तर दिया, क्योंकि उसने विश्वास की रखवाली की थी। क्या किया था? हाँ, विश्वास की रखवाली की थी। प्यारे बच्चों, मैं आपको बाइबल में से एक घटना बताना चाहता हूँ, क्या आप सुनने के लिए तैयार हो? हाँ। तो ये बाइबल में से जो घटना है वह अय्यूब की पुस्तक 1:1-22, 2:1-13 में ये घटना लिखी हुई है, ठीक है? हाँ। तो अय्यूब नाम का एक व्यक्ति था, वह खरा सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला था। वह अपने विश्वास की रखवाली करने वाला था। उसके जीवन में बच्चों बहुत सारी दुख, तकलीफ, परेशानी आई, उसकी धन संपत्ति सब नष्ट हो गई, लेकिन वो आखिरी तक विश्वास में बना रहा। विश्वास की उसने क्या किया? रखवाली किया। जब भी कोई व्यक्ति विश्वास करता है तो और विश्वास में मजबूत बना रहता है, तब किसको पसंद नहीं आता? हाँ, शैतान को। शैतान को कभी भी पसंद नहीं आता कोई अच्छा परमेश्वर में मजबूत बनता है, तो शैतान को पसंद नहीं आता। तो एक दिन क्या हुआ कि शैतान परमेश्वर के आगे उपस्थित हुआ। तब परमेश्वर ने उसे पूछा, तू कहाँ से आता है? तो शैतान ने बोला, मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते हुए, डोलते हुए आया हूँ। तब परमेश्वर ने उसे बोला, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को ध्यान में दिया है? उसके जैसा खरा सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य नहीं है। जब परमेश्वर ने ऐसा बोला तो शैतान चुप हो गया और फिर उसने बोला कि हाँ परमेश्वर, तूने तो उसके घर और उसकी सारी धन संपत्ति के चारों तरफ सुरक्षा का बाड़ा जो बांधा है, फिर तो वो आनंद से खुशी से रहेगा ना, ऐसा उसको बताया। तब परमेश्वर ने बोला शैतान से, शैतान उसका जो कुछ भी है वो तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर को मत छूना। शैतान तो खुश हो गया, ऐसा करते करते वो तो पृथ्वी पर गया और देखा कि अय्यूब की तो धन संपत्ति बहुत है, बहुत है, वो तो ऐसो आराम से रह रहा है, उसके 7 बेटे 3 बेटियां है, 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ बैल, 500 गधियां और कितने सारे दास दासियां थी। और ये सब देख के शैतान तो मन में सोचने लगा, इनको सब को मैं नष्ट कर डालूंगा। और शैतान ने एक के बाद एक सबको नष्ट करने की शुरुआत की। सब पशुओं को दूसरे सभा के लोग आके ले गए, दास दासियों को मार दिया। ये सब समाचार अय्यूब को मिलता रहा।
अय्यूब चुपचाप खड़ा रहा और एक जन दौड़ के आके बताता है कि तेरे बेटे बेटियां बड़े घर भाई के घर में खा पी रहे थे और आनंद कर रहे थे और अचानक जंगल से बड़े तूफान आया और घर हिल के पूरा गिर गया और सब के सब दब के मर गए। शैतान अय्यूब की परीक्षा ले रहा था। अय्यूब ये सब उसका जो नुकसान हुआ सब बातें उसने देखी और वह भूमि पर गिर पड़ा और उसने परमेश्वर को दंडवत किया। किसको दंडवत किया बच्चों? परमेश्वर को दंडवत किया। देखो कितना दुख है, कितना नुकसान हुआ, फिर भी परमेश्वर को दंडवत कर रहा है। और उसने बोला कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, उसके नाम को धन्य हो, हालेलुया। और उसने बोला मैं अपनी माँ के गर्भ में से नंगा आया और नंगा ही लौट जाऊंगा। देखो कितना सब कुछ नाश हो गया, फिर भी उसने विश्वास की रखवाली की। शैतान वहां से भाग जाता है और निकल के फिर एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में आता है और परमेश्वर उसको बोलता है, देखा शैतान, मेरा दास अय्यूब को तूने सब कुछ, उसकी संपत्ति, धन संपत्ति को सबको नाश कर दिया, उसके बेटे बेटियों को भी मार दिया, फिर भी मेरा दास विश्वास की रखवाली कर रहा है। क्या कर रहा है? विश्वास की रखवाली कर रहा है। ऐसा परमेश्वर ने शैतान को बताया। शैतान पूरा थरथरा गया, अरे अय्यूब तो सच में अभी तक विश्वास की रखवाली कर रहा है। फिर शैतान ने बोला, खाल के बदले खाल, उसके मांस और हड्डियों को तू छू, तब वो तेरी निंदा करेगा, तब वो विश्वास की रखवाली नहीं कर पाएगा। परमेश्वर ने उससे कहा, जा उसको तेरे हाथ में देता हूं, केवल उसके प्राण को छोड़ देना। शैतान तो अभी योजना बना के गया, अभी तो मैं अय्यूब को विश्वास की रखवाली नहीं करने दूंगा। ऐसा करके वो पृथ्वी पर गया। वहां पर शैतान ने जाकर उसके एक ऐसा रोग भेजा, उसके पूरे शरीर पर, सिर से लेकर चोटी तक, चोटी से लेकर पांव तक बड़ी बड़ी फुंसियां हो गई। उसके पास कोई भी आता नहीं था, पूरा बदबू मारता था, वो खुजलाने के लिए पत्थर लेके ऐसे ऐसे रगड़ता था, बहुत दुख होता था, बहुत दर्द होता था उसको। ये सब देखकर उसकी पत्नी ने उसे बोला, अभी तक तू अपनी खराई पर बना रहा है, अपने परमेश्वर की निंदा कर, अपने परमेश्वर को श्राप देकर मर जा। तब प्यारे बच्चों अय्यूब क्या उत्तर देता है उसकी पत्नी को? बोलता है कि तू क्या मूढ़ स्त्री के जैसे तू बात करती है? क्या हम परमेश्वर से सुख ही प्राप्त करें, दुख ना प्राप्त करें? देखो अय्यूब ने इस बार भी कुछ भी पाप नहीं किया। उसके तीन दोस्त वहां पर आते हैं, अलीफाज, बिलदाद और सोपार, ये तीन दोस्त वहां पर आते हैं। अय्यूब ने सोचा मुझे कुछ शांति की बात करेंगे। वो आके बैठे वहां पर और एक एक करके उन्होंने बात करना शुरू किया। पहले ने बोला कि तू अच्छी अच्छी शिक्षा देता था, क्या हुआ? उसी शिक्षा का पालन तूने भी नहीं किया, अपने आप को बड़ा धर्मी बताता था, क्या हुआ तेरे जीवन में ऐसा दुख क्यों आया? फिर दूसरा बोला, तेरे बाल बच्चे, तेरे बेटे बेटियां उद्धार नहीं पाया होगा, इसलिए सब मर गए। फिर तीसरे व्यक्ति ने बोला कि तेरे मन में अभी तक, तेरे हृदय में कुछ भी अशुद्धता हो तो उसको दूर कर, तेरे घर में भी अभी भी कुछ अशुद्ध वस्तु पड़ी हो तो उसको निकाल के बाहर फेंक। देखो प्यारे बच्चों, खुद अपने मित्र भी कैसी बात करते हैं उसके सामने, ये मित्र भी उसको शांति नहीं दे पाए क्योंकि उन्होंने जाना कि अय्यूब का दुख तो लंबा है। अय्यूब को ऐसी हालत में छोड़कर वो चले गए। परमेश्वर ने देखा कि जो बातें अय्यूब के मित्रों ने उससे कही, उससे परमेश्वर को भी बहुत दुख पहुंचा और परमेश्वर ने उनके मित्रों के साथ बात किया कि आपने जो मेरे बेटे को दुख पहुंचाया, मेरे बेटे से जो बात की, उससे मैं क्रोधित हुआ हूं आपके ऊपर, आप जाओ और अय्यूब के पास प्रार्थना करवाओ, तब कदाचित मैं अपने गुस्से से फिरूंगा।
तब कुछ देर के बाद उसके दोस्त दौड़ते हुए आते हैं और अय्यूब को विनंती करने लगते हैं, हे अय्यूब हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो। प्यारे बच्चों, अय्यूब को दुआ करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अय्यूब की परिस्थिति कैसी है? वह खुद दुख में बैठा है, खुद अपने शरीर पे इतनी बीमारी है, एक राख में बैठा है वो, अपने शरीर को ऐसे ऐसे खुजला रहा है, उसको बोला है प्रार्थना करने के लिए। ऐसी परिस्थिति में भी वो परमेश्वर को प्रार्थना करता है कि मेरे दोस्त पे परमेश्वर का क्रोध ना आए, इसलिए वो प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर मेरे मित्रों को सभी को आप प्रभु क्षमा करो, प्रभु मेरे मित्रों को क्षमा करो, ऐसी प्रार्थना करता है वो। जब ऐसी प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उनके मित्रों को क्षमा किया। हालेलुया। अपने मित्रों के लिए जो अय्यूब ने प्रार्थना किया, ये परमेश्वर ने देखा कि अय्यूब तो खुद ऐसे दुख में है, पीड़ा में है, फिर भी अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करता है और आखिरी दम तक वो विश्वास की रखवाली किया अय्यूब ने। अय्यूब के पास परमेश्वर आया और बताया कि मैं तुझे दोगुनी आशीष दूंगा। प्यारे बच्चों, अय्यूब का जितना धन दौलत था उससे डबल हो गया। और बाइबल बताती है अय्यूब के बेटे बेटियां इतने सुंदर थे कि उस देश में इतने सुंदर कोई नहीं था, इतना सुंदर बनाया। और अय्यूब विश्वास की रखवाली किया, इसके कारण उसने 140 वर्ष तक वो जीवित रहा। बाइबल बताती है 4 पीढ़ी तक वो जीवित रहा, ऐसा धनवान बना रहा वो। हालेलुया। तो प्यारे बच्चों, अगर हम भी विश्वास की रखवाली करेंगे, परमेश्वर को यीशु मसीह को प्रार्थना करते रहेंगे, विश्वास में मजबूत बने रहेंगे, तो यीशु मसीह जरूर हमें भी आशीष देगा। तो प्यारे बच्चों, एक कहानी आपको कैसी लगी? मैं आशा करता हूं कि सबको अच्छी लगी होगी। हालेलुया। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, आपका वर्कबुक जो है उसको निकालो। हाँ, सबने निकाल लिया, ठीक है, सब तैयार है। मैं आपको सवाल पूछूंगा, तो पहला प्रश्न है, अय्यूब कैसा व्यक्ति था? हाँ, सब बताओ। हाँ, खरा, सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला था। कैसा था? परमेश्वर का भय मानने वाला। वाह, गुड, शाबाश। दूसरा प्रश्न है, शैतान ने किसकी परीक्षा की थी? हाँ, सबको मालूम होना चाहिए, शैतान ने अय्यूब की परीक्षा की थी। किसकी परीक्षा? हाँ, अय्यूब की परीक्षा। तीसरा प्रश्न है, अय्यूब का सब कुछ नाश हो गया, फिर उसने क्या कहा? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर के नाम को धन्य हो। और चौथा प्रश्न है, अय्यूब ने किसके लिए प्रार्थना की? हाँ, बताओ सब, अपने मित्र के लिए प्रार्थना की। किसके लिए? अपने मित्र के लिए। पांचवा प्रश्न है, अय्यूब ने सब दुखों में किसकी रखवाली की? हाँ, बताओ, सब दुखों में उसने अपने विश्वास की रखवाली किया। वाह, सब ने अच्छा आंसर दिया। अभी हम देखेंगे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। पहला उसमें है, अय्यूब ने अपना बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और यहोवा को क्या किया? उसने स्वीकार किया, दंडवत किया या इनकार किया? क्या किया उसने? भूमि पर गिरकर दंडवत किया। वाह, गुड, अच्छा। दूसरा है, इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो क्या किया? पाप किया या गुस्सा किया या प्रेम किया? क्या आएगा? हाँ, न तो उसने पाप किया और न तो उसने मूर्खता से परमेश्वर से बात किया, ठीक है। हाँ, तीसरा है, अय्यूब ने अपनी पत्नी से कहा, क्या कहा? क्या तू एक मूर्ख स्त्री के जैसी बात करती है? क्या हम परमेश्वर से क्या प्राप्त करें? उसमें मैं आपको बताता हूं क्या क्या है, पीड़ा, सुख, आशीष, भलाई या दुख, दो रिक्त स्थान पूरा करना है, ठीक है। उसमें क्या आएगा? पहले में
सुख प्राप्त करे और दुख ना प्राप्त करे। दो आंसर आएंगे, एक सुख और एक दुख। वाह, सबने लिख लिया है। ओके, फिर और तीसरा है, जोड़े बनाना है, ठीक है। उसमें दिया गया है कि आपकी वर्क बुक में आपको मिलेगा, खरा और सीधा व्यक्ति कौन था? अय्यूब। सामने को क्या लिखना है? अय्यूब लिखना है। दूसरा उसमें है फोड़ा, जो बड़े बड़े फोड़े हुए थे वो कहां पर हुए थे? शरीर पर, अय्यूब के शरीर पर। तो दूसरा क्या आएगा उसके सामने? शरीर आएगा। क्या आएगा? शरीर। तीसरा है सुख, उसके सामने क्या आएगा? केवल हम सुख प्राप्त करें और दुख ना प्राप्त करें, इसलिए सामने दुख आएगा, ठीक है। और चौथा है परीक्षा, तो उसकी परीक्षा किसने की थी? शैतान ने। हाँ, तो उसके सामने, परीक्षा के सामने शैतान लिखना है, ठीक है बच्चों। ओके प्यारे बच्चों, आपका वर्कबुक देखो अंदर, उसमें एक चित्र दिया गया होगा, उसमें क्या करना है? कलर भरना है, सब पूरे चित्र में कलर भरना है, ठीक है। हाँ, सब आंख अपनी बंद करो और हाथ जोड़ो और प्रार्थना करना है, ठीक है। सब मेरे पीछे पीछे बोलना है, हे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, विश्वास की रखवाली कर, उस विषय के बारे में सीखने के लिए मदद किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन के हर एक क्षण में, दुख में, तकलीफ में, हम अपने जीवन में विश्वास की रखवाली करें, ऐसी कृपा दो प्रभु, यीशु के नाम में, आमीन। क्या बच्चों, कहानी सुना? बाइबल की कहानी सुना, कैसा लगा? अच्छा लगा ना? किसके बारे में देखा हमने कहानी में? अय्यूब के बारे में। देखो, अय्यूब के जीवन में शैतान ने बहुत सारे परेशानी लाया, फिर भी अय्यूब अपने विश्वास की रखवाली किया है, इसलिए परमेश्वर उसको दो गुना आशीष दिया है, ठीक है। आप भी विश्वास में बने रहना है, विश्वास की रखवाली करना है, तो परमेश्वर आपको भी दो गुना आशीष देगा, ठीक है बच्चों। तो अय्यूब के बारे में नाटक देखेंगे क्या? ओके, कितने लोगों की इच्छा है नाटक देखने के लिए? हाँ, बहुतों की इच्छा है। चलो हम अय्यूब के बारे में नाटक देखेंगे। हे यहोवा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरे जीवन में बहुत आशीष दिया, मेरे बेटे बेटी के पापों को क्षमा करना और उन्हें पवित्र करो, ताकि मैं पूरे परिवार के साथ आपको भाता हुआ जीवन जी सकूं। आमीन। अय्यूब को कुछ करना पड़ेगा। हे शैतान, तू कहां से आता है? मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और टोलते डालते आया हूँ। क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। क्या अय्यूब परमेश्वर का भाई बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसका घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधता? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, इसलिए अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। मैं जाकर उसकी सारी संपत्ति को नाश करूंगा। हे
हे स्वामी, जब हम बैलों से हल जोत रहे थे तब गधिया उसके पास चल रही थी। शाबा के लोग आए और दावा करके सारी गधिया चुरा के लेके गए। मैं अकेला बचकर तुझे समाचार देने के लिए आया हूँ। ऐसा हुआ क्या? हाँ। हे स्वामी, परमेश्वर क्या आकाश से गिरी और तेरे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए। केवल मैं ही अकेला रह गया हूं आपको समाचार देने के लिए। अरे ऐसा हुआ क्या? हे स्वामी, कजदी के लोग दावा करके तेरे सभी ऊंटों को ले गए हैं और सेवकों को मार डाला है। हे परमेश्वर, ये ऐसा क्यों हो रहा है? हे स्वामी, तेरे बेटे बेटियां खाते पीते समय बड़ी प्रचंड के कारण घर उनके ऊपर गिर गया और वे सब मर गए। मैं अपनी माँ की पेट से नंगा निकला और नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। मैंने इतना दुख दिया फिर भी यह परमेश्वर की निंदा नहीं करता है, और दूसरा कुछ करना पड़ेगा। हे शैतान, तू कहां से आता है? मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। तूने मुझे उसको बिना कारण सत्यनाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। काल के बदले काल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। जो केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डी और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। यह काफी है। ये क्या हो रहा मुझे? बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या हो रहा मुझे? बहुत गंदगी आ रही है। क्या अभी भी खराई और विश्वास पर बने हैं? अरे परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। तू एक मूढ़ स्त्री से बातें करती है। क्या जो हम परमेश्वर से सुख लेते हैं तो दुख ना ले? तो जा। हे परमेश्वर, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ और अपने विश्वास में मुझे बने रहने के लिए कृपा दया प्रदान करो। सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी और निर्बल को बलवंत किया, और विपत्ति तुझ पर आ पड़ी और तू निराश बैठा। और देखो, तेरे बेटे और बेटियां जो उद्धार से दूर थे वे भी मर गए।
मैं जिन वस्तुओं को छूना भी ना चाहा, वो ही मेरे घिनौने की आहार ठहरी। अगर परमेश्वर मुझे मार भी डाले तो भी मैं उससे प्रसन्न रहूंगा। अरे तू कब तक ऐसी बातें करता रहेगा और कब तक तेरी मुंह की बातें प्रचंड वैसे रहेगी? परमेश्वर कभी अन्याय और धर्म को उल्टा करता है? अगर तू खास धर्मी होता तो नीचे तुझे बचा लेता और तेरे धर्मिता को जो का त्यों कर देता। मैं निर्दोष होने के बावजूद भी मैं परमेश्वर को कुछ नहीं बोल सकता, पर मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। तू ऐसा ही रहेगा? अरे तू तो कहता था कि मेरा सिद्धांत शुद्ध है और परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र है। सुन, और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होते है उसे दूर कर और तेरे डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे, तभी तुझे चंगाई मिलेगी। निसंदेह मनुष्य तो तुम ही हो, और तुम मरोगे तो बुद्धि भी जाती रहेगी। अरे तीनों मित्रों ने अय्यूब के दिमाग को खराब कर दिया, फिर भी ये परमेश्वर की निंदा नहीं करता है। यह कौन है जो अज्ञानता की बातें करके युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? पुरुष की नाई अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ कि तू मुझे उत्तर दे। हे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, तेरी युक्तियों में से कोई रोक नहीं सकती, और मैं तो तुच्छ हूँ। मैं तुझे क्या उत्तर दूं? एक बार तो मैं कह चुका हूँ, अब तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा और आगे भी नहीं बढ़ूंगा। हे लिपज, मेरा क्रोध तेरे मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है वैसे ही तुम लोगों ने नहीं की, इसलिए आप तीन लोग अय्यूब के पास लौट जाओ और वह तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। जी परमेश्वर, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं करूंगा। हे मित्रों, परमेश्वर ने मुझसे कहा है जो क्रोध तुम पर हुआ है अगर उससे बचना है तो आप अय्यूब के पास जाओ, अय्यूब आपके लिए प्रार्थना करेगा, तभी आपको क्षमा मिलेगी। इसलिए हम अय्यूब के पास जाएंगे। चलो चलो हाँ, चलो हम जाएंगे। हे अय्यूब, हमने भूल कर दी है, इसलिए परमेश्वर का क्रोध हम पर आया है। हे अय्यूब, परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि जो क्रोध तुम पर हुआ है इसके लिए क्षमा चाहे तो तुम अय्यूब के पास जाओ, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। इसलिए हम तीन लोग यहाँ पर आए हैं, तो आप हमारे लिए प्रार्थना करो, तभी ही हमको क्षमा मिलेगी। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, मैं अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करता हूँ, अनजान में अपने मुंह के वचन से आपको दुख पहुंचा, उन्हें क्षमा कर दो और उन्हें कुछ दंड ना दो। आमीन। आपने हमारे लिए प्रार्थना किया, धन्यवाद। धन्यवाद। हे अय्यूब, तेरे इस कठिन समय पर भी तूने अपने विश्वास की रखवाली की है और मेरी निंदा नहीं किया है, और तुम अपने मित्रों के लिए भी प्रार्थना किया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे दुख दूर करता हूँ और तुझे दो गुना आशीष देता हूँ। मैं हार गया, मैं हार गया। चाची, मैं अय्यूब परमेश्वर का भाई मानने वाला है, अपने विश्वास की
रखवाली करने वाला व्यक्ति है, इसलिए वो जीत गया। मैं हर गया। मैं धनी मनुष्य था, लेकिन शैतान मेरे जीवन में दुख लाया और मैं बीमार पड़ गया। फिर भी अपने विश्वास की रखवाली की और परमेश्वर ने मुझे चंगा किया और मैंने परमेश्वर की निंदा नहीं की, इसलिए परमेश्वर ने मेरा सारा दुख दूर कर दिया और मुझे दो गुना आशीष मिल गया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो। सच में परमेश्वर ने दो गुना आशीष दिया। हालेलुया। ओके बच्चों, नाटक देखा? कैसा लगा नाटक? अच्छा लगा? ओके, मुझे विश्वास है नाटक आपको पसंद आया होगा। ओके, आज हम आज के पाठ के आखिरी समय में आ गया है। कैसा लगा आज का प्रोग्राम? अच्छा लगा? गीत अच्छा लगा? नाटक अच्छा लगा? और बाइबल की कहानी वो भी अच्छा लगा? ओके, तो परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज का कार्यक्रम को परमेश्वर ने सफल किया है। आइए हम दुआ करेंगे। मैं निवेदन करता हूँ हमारा राजस्थान के एक्सिलरी बिशप बादर बारिया साहब अंतिम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं। आज आपने जो पार्ट नंबर 4 में से जो पढ़ाई किया, उसमें आपने नाटक के द्वारा जो सीखा, गीत के द्वारा जो सीखा और सही तरीके से विश्वास की रखवाली के बारे में आपको जो सिखाया गया, उस पर आपको परमेश्वर आशीष दे। आप उसको अच्छी तरह से अपने जीवन में लागू करें और इस वचन के अनुसार चले। जैसे अय्यूब विश्वास में मजबूत रहा, वैसे ही हम भी विश्वास में मजबूत रहे और परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़े। आइए हम दुआ करें। परमेश्वर हमें आशीष करें। धन्यवाद प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आज के दिन के लिए जो प्रभु पाठ नंबर 4 में से प्रभु पढ़ने के लिए, समझाने के लिए प्रभु जी, और हर बच्चे तक प्रभु तेरे वचन को प्रभु पहुंचाने के लिए आपने मदद किया, इसलिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, गीत के द्वारा प्रभु जी इस पाठ को सिखाया प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। नाटक के द्वारा प्रभु इस पाठ को सिखाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। हर बच्चे तक परमेश्वर आपकी आशीष के द्वारा पिताजी एक नई आशीष, नई कृपा, नई दया प्रभु उत्पन्न कर। पिता परमेश्वर हम सारा आदर प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं, यीशु के नाम में आमेन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सुखदाई सहभागिता आए हुए तमाम बच्चों के साथ और टीचर के साथ, हरेक के साथ, हमारे शालोम डायसिस इन इंडिया के साथ, जब तक प्रभु यीशु क्रेस्त बादलों में बैठकर न्याय के लेना है, तब तक प्रभु की महान शांति हर एक के साथ सदा काल तक बनी रहे, आमीन आमीन। आज का प्रोग्राम के द्वारा आप सब आशीष पाए होंगे, मुझे विश्वास है। ठीक है, हम कल मिलेंगे। कल एक दूसरे विषय के बारे में, हम किसको रखवाली करना है उसके बारे में हम देखेंगे। ओके बाय बच्चों।